सीधे रुक कर लेते हैं बिहार विधानसभा। महोदय, जहां तक जातियों की बात है, जातियों की संख्या इसमें लगभग 215 है। सामान्य श्रेणी के 7 जातियां हैं, पिछड़ी वर्ग के 30 जातियां हैं, अति पिछड़े वर्ग के 112 जातियां हैं, जो अनुसूचित जाति है उसकी 22 जातियां हैं, अनुसूचित जनजाति की 32 जातियां हैं, और कुछ ऐसी जातियों का भी उल्लेख आया है जो कहीं सूचीबद्ध नहीं है, वैसे 12। कुल मिला के महोदय 215 जातियां हैं। और कहीं कहीं से जब आवाज आती है कि इनकी संख्या घटा दी गई, बढ़ा दी गई, या किन्हीं को कोई दिक्कत होती है, तो महोदय किसी जाति के संख्या या उसके प्रतिशत में कोई बढ़ाना बढ़ना या घटना, ये किसी जाति विशेष की उपलब्धि या उसकी असफलता का द्योतक नहीं होता है। इसके कई कारण होते हैं महोदय। और मैं अब आंकड़ों की प्रामाणिकता के बारे में सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूँ। एक तो हम लोग जब आंकड़ा संकलित कर रहे थे महोदय, उसी समय कि हमारे आंकड़े शुद्ध रहें, सटीक रहें, इसलिए इसमें से 5% जो गणना की इकाइयां हैं, जैसे वार्ड है, पंचायत है, उनका हम लोगों ने जो क्रम रहित नमूना कहते हैं, रैंडम सैंपलिंग करते हैं, उसको निकाल के फिर दूसरे अधिकारियों से उसको हम लोगों ने फिर सत्यापित कराया है, और उसमें त्रुटि नगण्य पाई गई है। और महोदय मैं सिर्फ एक उदाहरण जरूर देना चाहता हूँ कि आप देखिएगा, सभी आंकड़े आपके पास पहुँच चुके हैं, कि हम लोगों की गणना में बिहार में गरीबों की संख्या 34.1% आई है। और आप सब ने देखा होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले भारत सरकार के नीति आयोग ने एक, जिसको बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें बिहार में गरीबी को उन लोगों ने 33.78, मतलब वो भी लगभग 33.8 है गरीबों की संख्या, उन्होंने गरीब परिवारों की संख्या निर्धारित की है, और हमने जो अपने स्तर से गरीबों की पहचान की है उसमें भी वो 34.1 आई है। ये कितना मतलब दोनों सच्चाई के करीब है, ये हम बताना चाहते हैं। जबकि उन्होंने जो वो इंडेक्स बनाया था सूचकांक, वो देश ही भर के अर्थशास्त्रियों विशेषज्ञों की मदद से नहीं, विश्व भर के अर्थशास्त्रियों की मदद से नीति आयोग ने वो सूचकांक बनाया था, और उस पर बिहार में गरीबी 34.1 आई थी। और हम लोगों के जो हमने मांगा है, हमने बताया है प्रतिवेदन में, कि जिस परिवार की मासिक आय 6,000 रुपये से भी कम है, उसको हम लोगों ने अपनी गणना में गरीब माना है। और ये स्वाभाविक था, क्योंकि इसी आधार पर आगे की कार्रवाई करनी थी महोदय, और इसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे थे सब लोगों के समर्थन से। महोदय एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस ढंग से इस मामले को न्यायालय में घसीटा गया, 14-15 मुकदमे उच्च न्यायालय में हुए, 5 मुकदमे उच्चतम न्यायालय में हुए, लेकिन हमने कितने सही, आपने भी निर्णय में आप भी शामिल हैं, कि ये जो कुछ अति ज्ञानी लोग होते हैं महोदय, बुद्धि विलासी लोग, जिनको जरूरत से ज्यादा बुद्धि रहती है, उनके बुद्धि का बहाव आजकल लोकहित याचिकाओं के माध्यम से होता है, अब वो उसके लिए उसको लिए न्यायालय में पहुंच जाते हैं। तो सिर्फ मैं उच्च न्यायालय के एक ऑर्डर जो अंतिम आदेश दिया था, हालांकि थोड़े दिन के लिए लोगों ने गुमराह करके स्थगित भी करा दिया, लगभग 100 दिनों से अधिक की देरी हो गई जो हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया, लेकिन अंतिम आदेश में, फाइनल आदेश में जो उच्च न्यायालय ने कहा है वो जरूर सब लोगों ने देखा होगा, और उसको मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि वी फाइंड द एक्शन ऑफ द स्टेट टू बी परफेक्टली वैलिड, इनिशिएटेड विथ ड्यू कॉम्पिटेंस, क्योंकि कुछ लोग कहते थे राज्य सरकार को अधिकार नहीं है, विथ लेजिटिमेट एम ऑफ प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट विथ जस्टिस, जो मुख्यमंत्री का
सिद्धांत है न्याय के साथ विकास, एज प्रोक्लेम्ड इन द एड्रेस टू बोथ हाउसेस एंड एक्चुअल सर्वे टू हैव नाइदर एक्सरसाइज नॉर कंटेम्पलेटेड एनी क्वेरसन टू डाइवर्ज द डिटेल्स एंड हैविंग पास द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब किसी को ये नहीं किया गया है, बाध्य नहीं किया गया है और सरकार ने बिल्कुल सही किया है। दस नॉट हैविंग वायोलेटेड द राइट्स ऑफ प्राइवेसी, निजता के अधिकार के हनन की भी बात हो रही थी, नॉट वायोलेटिंग द राइट्स ऑफ प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स स्पेशली सिंस इट इज इन फर्दरेंस ऑफ अ कंपेलिंग पब्लिक इंटरेस्ट विच इन इफेक्ट इज द लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट। महोदय, इससे बड़ा प्रमाण किसी न्यायालय द्वारा सरकार के काम को दिया नहीं जा सकता है। लेकिन इसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए महोदय, तो वहां क्या कहा महोदय? जो हमने कहा कुछ बुद्धि विलासी लोग भी हैं, अति ज्ञानी लोग, उनको सुप्रीम कोर्ट ने, जो जस्टिस वहां बी आर गवई है, अभी हमने देखा था समाचार पत्रों में, कल परसों पटना भी वो आए हुए थे, कि उन्होंने क्या कहा कि दिस इज नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दिस इज पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब जो लेके गए हैं वो सिर्फ पब्लिसिटी चाह रहे हैं, गो टू हाई कोर्ट। इसलिए महोदय, सरकार के कामों को जिस तरीके से न्यायालय ने उचित ही नहीं, न्याय संगत और न्याय के विकास के सिद्धांत के अनुरूप बताया है महोदय, वह सरकार के मनसा को बिल्कुल लोगों के सामने स्पष्ट कर देता है महोदय। और अंत में महोदय, चूंकि बहुत सारे लोगों को बोलना है, ये जो आंकड़े आपको दिए गए हैं इससे कुछ बड़े अच्छे निष्कर्ष सामने आते हैं, खासकर जो सामाजिक आर्थिक विकास का महोदय पैमाना होता है, चाहे वह साक्षरता दर हो, चाहे गरीबी हो, चाहे जो लिंगानुपात जो कहते हैं, सेक्स रेशियो जो कहते हैं, प्रति पुरुष कितने महिला मतलब होती हैं समाज में, तीनों स्तर जो सामाजिक विकास आर्थिक विकास का पैमाना होता है उसमें बिहार की उपलब्धि महोदय असाधारण है। और आप देखिए कि साक्षरता दर में बिहार में 2011 की जनगणना जो केंद्र सरकार ने कराई थी उसमें 61.8% था, और अभी जो महोदय हम लोगों ने कराया है उसमें 79.7% है। और महोदय, सबसे आपको और सदन के सभी माननीय सदस्यों को सुन के अच्छा लगेगा कि यह जो साक्षरता दर बढ़ने का प्रतिशत है, ये पुरुषों से कहीं ज्यादा महिलाओं में है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतियों के कारण हुआ है। और महोदय, आंकड़े बताते हैं कि पुरुष में साक्षरता दर बढ़ने का प्रतिशत 17.9% है, जबकि महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ने का प्रतिशत 22.4% है। ये समझ लीजिए महोदय, सीधे कितनी है। अभी हमने गरीबी की बात कही, जो गरीबी का निर्धारण हमने जिस तरीके से किया है, और भारत सरकार ने भी बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञों को जमा करके जो उसका सूचकांक बनाया है उस पर भी ये दोनों आंकड़े बिल्कुल करीब हैं, बहुत ही क्लोज है महोदय। ये हमारे आंकड़े की सत्यता या सत्यापन की तरफ भी इशारा करता है महोदय। और इसमें अभी पिछले दिन भी देखे होइएगा कि जो भारत सरकार नीति आयोग ने भी कहा है कि पूरे देश में गरीबी रेखा से बाहर लोगों को करने के मामले में बिहार का स्थान पूरे देश में अव्वल है, और सभी प्रदेशों से ज्यादा लोग बिहार में गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। और महोदय, उसी तरीके से जो लिंगानुपात कहते हैं, जहां प्रति हजार कितनी महिलाएं समाज में होती हैं, जो दो रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।